वेलकम बैक पोकेडियर से। आज हम लोग खेलने वाले हैं पोकेमोन हार्ट गोल्ड। यार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग इस अपने राइवल से हार गए थे, तो इस बार हम लोग इसको बहुत ज़रा मैंने एकदम बुरी तरह से हराएंगे। एकदम उल्टे टाइप एडवांटेज के साथ हराऊंगा मैं इसको। ये जो इसका पहला गैस्ली, मैं इसको एक ही मूव में फेंट करना चाहूँगा, यानी एक एम्बर मारूंगा और फिर ये फेंट। चलो इसका, अरे यार थोड़ा बच गया कधा कहीं का। अब इसने मेरी पीपी भी कम कर दी। चलो, अरे यार मैं कैसे भूल सकता हूँ कि इसके ऊपर नॉर्मल टाइप मूव्स इफेक्टिव नहीं कर रहे। आह चलो ठीक है एम्बर, ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब जल्दी क्रोकोनो निकाल रहा है। मुझे बस इसी पोकेमोन का इसके इंतज़ार था, मैं हर बार इससे हार जाता था। और इसका लास्ट पोकेमोन मुझे पता है वो जुबैट है, लेकिन पहले इस वाले को हराना पड़ेगा। उसे हराने के लिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर सबसे पहले क्विक अटैक मारूंगा। ये मुझे वाटर गन मारेगा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास कई सारे सुपर पोजिशन रखे हुए हैं। आई मीन सिर्फ दो ही हैं, ज़्यादा नहीं है। अब मैं इसके ऊपर फिर से एक बड़ा क्विक अटैक मारूंगा। ये पक्का स्केरी फेज यूज़ करेगा, ये मेरी स्पीड कम करेगा, मैं इसकी एक्यूरेसी कम करूंगा जिससे कि इसको अटैक ही ना मेरे ऊपर पड़े। ठीक है, अब मैं स्मोक स्क्रीन यूज़ कर लेता हूँ, इसकी एक्यूरेसी कम हो रही है। चलो अच्छी बात है, एक बड़ा यूज़ करूँगा तो शायद बात बन जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि इसकी एक्यूरेसी कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हो। आई मीन ओवर, समझ रहे हो ना। और हाँ यार गाइस, आज की वीडियो थोड़ी लंबी यार, इसे लेआउट नहीं लगाया है, क्योंकि यार देखो थोड़ा हमको भी तो आराम से वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग उतना टाइम करते तो फिर वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम भी लग जाता, हम लोगों को बनाने में मज़ा भी नहीं आता। ओके चलो, सुपर पोशन यूज़ कर लिया है मैंने। अरे हाँ चलो सही है, काम बन रहा है। मैं सोच रहा हूँ आप अपने पोकेमोन स्विच करूँ, एक मिनट अभी तो बात बनती जा रही है, तो फिर अभी आई डोंट थिंक सो कि स्विच करने नहीं, अब शायद करना पड़ेगा। क्या करें, ठीक है चलो स्विच कर ही लेते हैं। मैं जहरीला को चुन लेता हूँ, फेंट नहीं होना। ओ माई गॉड, इसे एक HP पर सर्वाइव कर गया। चलो अब मैंने इसका सुपर पोशन दे दिया है, ये रहा सुपर पोशन। ठीक है चलो, माफ़ करने अगर बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो। चलो अभी वैसे हारने ही वाला है, मैं इसके ऊपर सुपर सोनिक मार दे जैसे कि कन्फ्यूज़ हो जाए। हाँ सही है, झकास। ओके अभी लीच लाइफ भी मार के देख लेते हैं। इस बार तो मैं इसको फेंट कर ही दूंगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। ओके कंफ्यूज ही रहना, अटैक मत करना, तुम कंफ्यूज ज़्यादा अच्छे लगते हो। ऐसे तो मुझे हरा, अरे यार हाश, फेंट रहा फेंट रहा। ओहो चलो एक और अटैक मार के देखते हैं। अरे यार उसने रेज मार दिया, चलो हो गया अपना काम तमाम। अब मैं निकाल लेता हूँ अपने मेरे साथी को। अब ठीक है चलो क्विक अटैक, और ये गया काम से, बहुत बढ़िया। ओके जुबैट, मैंने कहा था इससे लास्ट वक्त में जुबैट ही होगा। एम्बर फेंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इस बार तो मैं इसको पक्का फेंट कर दूंगा। और ये हमने हरा दिया अपने राइवल डीमन को। डीमन एक सच में राक्षस है जिसके पास काफ़ी सारा भयंकर पोकेमोन से। अभी मैं सिर्फ उसका एक ही पोकेमोन भयानक है, क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ कोई टाइप एडवांटेज नहीं था। अब मैं जा रहा अपने पोकेमोन्स को हील करने। अभी हील करने के बाद हम लोग जाएंगे आगे, जो कि है आइलेक्स फॉरेस्ट। ठीक है चलो, अपने पोकेमोन्स तो हील हो गए हैं। अभी मैं स्विच कर लेता हूँ इसको,
क्योंकि मुझे इसका भी लेवल थोड़ा बढ़ाना है। इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है। मुझे यहाँ से थोड़े से आइटम्स भी लेने हैं। एक पोकेबॉल पोशन, नहीं, हाँ मुझे रिपेल्स चाहिए क्योंकि अभी वहाँ पे कई सारे वाइल्ड पोकेमॉन्स मिल जाएंगे, तो फिर इसीलिए हम इनको ले लेते हैं। ठीक है चलो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस बाय बाय। और अभी इनसे मुझको थोड़ी सी पोके बॉल्स चाहिए थी। नहीं चाहिए, इनमें से एक भी नहीं चाहिए। हाँ हम दोबारा आएंगे ज़रूर। चलो ठीक है, अभी अब चलते हैं आइलेक्स फॉरेस्ट की तरफ। लेकिन सबसे पहले इन अंकल से अपनी पोके बॉल तो ले लें, हमने इनको दी थी ना। हाँ देखा, मुझे मून बॉल मिल गई। आई टर्न देम इनटू पोकेमॉन्स। ठीक है, ऑल राइट। यहाँ पे तो एक और एप्रिकॉन है, ये भी ले लेते हैं और उनको दे देते हैं। यार छोड़ो, रहने दो, अगली बार दे देंगे जब आएंगे फ्लाई करके। ओफो, ये वाइल्ड पोकेमॉन्स भी ना, ये स्पेशली बग्स ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं। अगर कोई दूसरा टाइप का पोकेमॉन आ जाए तो चलता भी, लेकिन अगर बग्स आ जाए ना, मेरा खून खौलने लगता है, सच बोल रहा हूँ। अभी इतना टाइम तो है नहीं कि इसको मैं हराता रहूं, रन कर लेते हैं चुपचाप। या फिर चलो पोकेमोन स्विच करके थोड़ा सा लेवल अप ही करवा दे। ठीक है, रॉक थ्रो चलो। ओके, तो बन गया काम। चलो ठीक है, अरे पोशन, नहीं, हम मेडिसिन पॉकेट में देखते हैं। ठीक, चलो। अरे बाप रे यार, मेरे बॉस मेरी जान ले लेगा। क्या तुम प्लीज़ मेरे फास्टफूड को ढूंढ सकते हो? अगर तुमने ब्रांचेस पे पैर रखा तो उन्हें पता चल जाएगा, उन्हें पीछे से पकड़ना। चलो अच्छा, इसको लगता है इसको पता, अरे यार लगता है इसको पता चल गया। देखते हैं अभी क्या होता है। इसको पकड़ना वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओह, अरे वाह, टोगोपी हैच हो रहा है। चलो अच्छी बात है, मैं इसको अपनी टीम में रखने वाला हूँ क्योंकि मुझको ये पोकेमोन तेरा पसंद तो नहीं है, लेकिन हाँ ये इसकी टाइपिंग थोड़ी बढ़िया है। क्वा, ठीक है चलो, अभी इसको पकड़ लिया है, अभी एक और है। ठीक चलो, और उसको पीछे से पकड़ना। अबे यार ये एल्म भी ना, अभी बोल रहे हैं कि वहाँ मेरे पास वापस आओ और मुझे वो पोकेमोन दिखाओ। सटक गया या नहीं? अभी हम लोग इतना दूर है यार, वापस कैसे आए? हम तो कोई जानवर जैसे वहाँ, मतलब कि कुछ भी ऐसे दौड़ाते रहो दौड़ाते रहो। चलो अभी यहाँ से हमको एक रिवाइव मिल चुका है। ठीक है, अभी देखना ही पड़ेगा कि यहाँ वाला फार्चफेच कहाँ पे है। ये रहा, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे से पैर, ठीक है अभी यहाँ इसके साइड से जाते हैं पकड़ने, क्योंकि लेकिन हम लोग को तो इसको पीछे से पकड़ना है ना। अरे यार चलो, अच्छा वो वहाँ भाग गया। कैटरपी, चलो ठीक है, अभी इसको ऐसे पकड़ नहीं सकते हैं, थोड़े तरकीब लगानी पड़ेगी। ठीक चलो, अभी यहाँ फिर ये, फिर चलो धीरे धीरे चलते हैं दोस्तों। इसका मैं तुम लोग को थोड़ा सा आराम से करना चाहिए। चलो ठीक है, ये हमने इसको पीछे से पकड़ लिया।
तुम्हारा शुक्रिया, मेरा पोके मेरा बॉस अब मुझे नहीं मारेगा। मेरे फार्च फैच, शुक्रिया बच्चे, मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया अदा करूँ। ये लो HM01, ये कट है, इससे तुम छोटे छोटे पेड़ों को काट सकते हो। और हाँ, इसके तुम्हारे पास असली टाउन का जिम बैच होना चाहिए। कुछ और बताओगे ज़रा? नहीं नहीं ये नहीं चाहिए। क्या तुम्हें चारकोल चाहिए? यूल फर्स्ट इन 10 ईयर्स, ले लेते हैं चारकोल। तो ठीक है, अभी इसे चारकोल ले लेते हैं। ये रहा चारकोल, तो क्यों ना मैं इसको अब दे दूंगा। हाँ मैं दे दूंगा इसे, मैं इसको अपने मेरे साथी को दे दूंगा। चलो अब ठीक है, चलते हैं वापस। और हाँ, मैं मुझे कट भी सिखाना है किसी अपने पोकेमोन को। ऑल राइट, चलो ये रहा। हाँ यहाँ पे रोस्ट भी है, तो मैं इसे अपने जहरीला को सिखा दूंगा, क्योंकि सिर्फ यही एक प्लांट है पोकेमोन है जो कि मूव सीख सकता है मेरी टीम में। और ये वाला मैं सिखा दूंगा मेरा सासी को, बट इसका मूव सेट बेवजह बेकार हो जाएगा। ओके ऑल राइट, चलो हमने सारे मूव सिखा दिए हैं। ठीक, चलो अभी हमने इसको कट कर दिया है, अब चलते हैं। ऑल राइट, अबे यार ये बग्स ना। अब बस यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है सच में। ओहो चलो चलते हैं अब। ओके अबे यार मुझे नींद आने लगी, काफ़ी तगड़ा आदमी है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पेड़ ला रहा हूँ। ये लो तुम भी ट्राई करो, कौन सा पोकेमोन सीखेगा। ठीक चलो, जीडो सीख रहा है। टैकल और इसमें ज़्यादा अंतर तो नहीं है, बस दोनों अपनी खोपड़ी से ही मारेंगे। से हुआ आई डोंट थिंक सो कि कुछ हो सकता है। फिर से एक गधा मेटापॉड मेरे सामने। ऑल राइट ठीक है चलो। अरे यार मैं अपनी रिपेल वेस्ट कर लूँगा, कंट्रोलर समझ में नहीं आते हैं। ठीक चलो, अच्छा, यानी यहाँ पे सेल भी होगा पक्का। मुझे सच में नींद आ रही है यार, इतने सारे वाइल्ड पोकेमोन्स मिल रहे हैं। फिर से एक कैटरपी, बस अब और नहीं यार। चलो ठीक है, करके देखते एक बार इसमें हेडबट। ये पाइन को नहीं पकड़ना है, चलो रहन देते हैं। किमोनोगर्ल सब खो गए और अकेले हैं। क्या तुम मुझे जानते हो वाइल्ड सिटी से? क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर ले जाओगे? ओह
कहीं ऐसा नहीं कि तुम भी यहाँ खो गए हो? तुम्हें कैसे पता कि यहाँ से कैसे जाना है? वाह, क्या तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे? तुम कितने स्मार्ट पोकेमोन हो। फिर मिलेंगे। ओह ओह, ये वाइल्ड पोकेमोन्स। ठीक, चलो ये ले। ओके, हमको एक एथर मिल गया है। ऑल राइट, तो हम लोग आ चुके हैं गोल्डन रॉड सिटी। मतलब जैसे जाने वाले हैं गोल्डन रॉड सिटी। आज के दिन तो पक्का जाना ही है, वैसे चाहे जो कर लें। ओहो, लगता है गलत बटन दब गया। अरे यार, इससे बैटल करनी पड़ेगी। ठीक है जी, उसके पास एक रैटाटा है। मेरे पास अभी इतने फालतू लोगों से लड़ने के लिए वक्त नहीं है। चलो इसको जलीली हराते हैं। ठीक है, चलो अभी हमने उसको हरा दिया है, मतलब हम दोनों को हरा दिया है। और अभी ठीक, चलो। अरे यार, मुझे तुम्हारे साथ नहीं करने हैं नंबर एक्सचेंज, फालतू में मेरा भूखे गैर भर जाएगा। चलो ठीक है। ओ, ये क्या है? अच्छा, डॉग भी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। ग्रैंडपा, अच्छा क्या आपने ग्रैंडपा, आपके पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा फिट लग रहे हैं। हाय पोकेडेक्सिन, मुझे बताने दो, ये है मेरा दोस्त पोकेडेक्सिन। मेरे पीछे आओ ग्रैंडमा, ये देखिए मेरा दोस्त पोकेडेक्सिन। ओह, क्या है तुम्हारा बॉस? नहीं 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 क्या ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, अगर तुम दोनों यहाँ तक आए गए तो चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। ओह, मैं तो मैम बताने भूल ही गई, ये लो मेरा नंबर। इसकी दादी माँ तो बड़ी अजीब है। कोई बात नहीं, लेकिन काम तो हमारे लिए ही करेंगे ना, क्योंकि इस गेम के मेन कैरेक्टर भी तो हम ही हैं। डे केयर, ओके। हाँ, मुझे अपने पोकेमोन्स को रेज करना है। एक मुझे टोगोपी देना है और एक जहरीला। इन दोनों के लेवल में ज़्यादा नहीं बढ़ा पाया, क्योंकि इन दोनों को मैंने शुरुआत से नहीं कैच किया था, इसीलिए तो फिर मैं इनका लेवल देना चाहूँगा। ओके, चलो ठीक है, इसको भी स्टोर कर देते हैं। ऑल राइट, सब काम ठीक। मेरे पास एक आइडिया है, ले अपने अपने नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक, चलो। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।